हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग शेयर करेंगे दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे नए घर में पूजा हुई थी, पूजा कैसे हुई है, सारा हम आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं हमारा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी हमारी आवाज़ को माइंड मत करिएगा और हमारा ब्लॉग पूरा देखिए। नए घर में गृह प्रवेश की पूजा हुई है, तो यहाँ पर रामायण भी हुई है, रामायण ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहे हैं और सब परिवार के लोग जो भी हमारे हैं सब लोग खूब धूमधाम से माता जी के भजन का आनंद ले रहे हैं, खूब अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, बच्चे हैं, सभी आ गए हैं और खूब धूमधाम से माता जी के भजन पर नृत्य कर रहे हैं। आप सभी लोग इनका डांस देखिए और भजन सुनिए। आगे हम और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको। रामायण के दूसरे दिन भंडारे का भी आयोजन है दोस्तों। शाम को भंडारा है, तो ये सारे मेहमान हमारे मॉर्निंग टाइम आ गए हैं, तो इनको घर में जो भी खाना बना है वही खिलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ है, भंडारा शुरू होने में अभी टाइम है। तो ये सभी लोग अपना भोजन कर रहे हैं। ये हमारी सिस्टर हैं, सिस्टर की सास हैं, मम्मी हैं हमारी, और भी हमारे नंद वगैरह बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ससुराल पक्ष के भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तो ये फूल हैं, देखिए फूलों की माला बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे मालाओं की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी सासू माँ कबीरपंथी से भक्त हैं, तो उन्होंने अपने कबीरदास जी की जो पूजा आरती होती है उसका भी आयोजन रखा हुआ है। तो ये सारी तैयारी हो रही है, फूलों की माला बनाई जा रही है, लड़ियाँ बनाई जा रही हैं, कुछ घर में भी सजाने के लिए फूलों की लड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। तो जो भी रिश्तेदार आए हुए हैं वो सारे लोग हेल्प करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा घर भरा हुआ है। ये हमारा नया मकान है, हमारी सासू माँ ने बनवाया है, तो देखिए ये पूरा टेंट वगैरह आ चुका है, लगना भी शुरू हो गया है। ये भंडारे वाले दिन का सीन है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये भंडारे वाले दिन का वीडियो है, और मम्मी हमारी आई हैं, तो देख सकते हैं पीछे वो गाना बजाना भी हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मौसी लोग भी हमारी आई हुई हैं, सब लोग भजन कीर्तन कर रही हैं, और जो लोग फ्री हैं वो माला बना रहे हैं, फूलों की लड़ियां तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम आपको भंडारे का भी पूरा वीडियो दिखाएंगे, बस आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हम ऐसे ही प्यारे प्यारे से ब्लॉग दिखाते रहें, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। आप सभी लोग लाइक ज़रूर करना। तो देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं जो बहुत मस्ती कर रहे हैं, दोपहर का समय है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है, बच्चे बहुत खुश हैं और बाहर घूम रहे हैं। ये हमारी ननंद की बेटी हैं जो हंस रही हैं, और ये माला बनवा रही हैं सबके साथ में बैठी हुई, और ये सारे लोग गाना बजाना में लगे हुए हैं। इन सभी को
भगवान का पंडाल भी मिल गया है, तो ये सभी लोग अपना माता जी के भजन कीर्तन में लग गए हैं। और ये कबीरदास जी की जो पूजा होनी है, साहेब जी की जो पूजा होगी, उसका भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पे गद्दे वद्दे डाल दिए गए हैं कमरे के अंदर, तो यहीं पे साहेब जी आएंगे और बैठेंगे, अपना पूजा पाठ शुरू करेंगे। तो देखिए भंडारे का आयोजन शुरू कर दिया गया है और ये कन्या भोज शुरू हो चुका है। तो देखिए ये हमारी भाभी बैठी हैं, छोटी बिटिया को गोद में लेकर के कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है और इनको थाली ग्लास कटोरी चम्मच ये सारे गिफ्ट दिए गए हैं कन्याओं को। जो छोटी बच्चियां थीं उनको सबको गिफ्ट दिया गया है और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो खाना भी नहीं खा पाए हैं, तो ये सारा खाना इनकी मम्मी खाएंगी। अब हम आपको साहब जी के दर्शन भी करवा देते हैं दोस्तों। देखिए हमारे साहब जी हैं जो तैयार हो रहे थे, तो उनकी तैयारी हो चुकी है, पूजा शुरू करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि तैयार होकर हमारे साहब जी कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारी सासू माँ कबीरदास जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, उन्होंने भक्ति ले रखी है, तो उनका मन था कि वो साहब जी की चौका आरती भी करवाएं, तो चौका आरती का आयोजन भी किया गया है। शाम के समय साहब जी की चौका आरती का आयोजन है, तो उसकी भी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। थोड़ी देर में साहब जी की चौका आरती का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए चौका आरती का आयोजन शुरू हो चुका है। इस पूजा में जो लोग कबीरपंथी से गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं, इस पूजा में वो लोग गुरुदीक्षा भी ले सकते हैं। तो हमारी दो भांजियों ने गुरुदीक्षा ली है, उन लोगों ने आज ही कंठी धारण कर ली है और साहब जी की भक्त बन चुके हैं। ये हमारे हस्बैंड हैं जो कि जो भी भक्तगढ़ हैं कबीरदास के, जितने भी भक्त हैं उन सभी को माला पहना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि साहब जी का पंडाल कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से सफ़ेद चादर लगाई गई है और चारों तरफ से फूलों की लड़ियाँ सजाई गई हैं। इसी तरह से साहब जी की पूजा आराधना की जाती है, कई सालों के बाद ये पूजा हो रही है। वैसे ये बहुत सारे लोग हैं जो हर साल इस पूजा को करवाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4-5 साल में भी इस पूजा का आयोजन करते हैं। ये तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से भी करवा सकते हैं। तो ये चौका आरती की पूजा भी हो चुकी है और इसके बाद ही जब ये पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी, उसके बाद ही भंडारा शुरू होगा, क्योंकि अब पूरी तैयारी हो चुकी है भंडारे की, पूरा खाना बनकर तैयार है और इधर पूजा होगी और उधर सभी लोग खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। तो ये हमारे साहब जी हैं, तो इन्होंने भी हमारे हस्बैंड को माला पहनाई है और ये पूजा का ये पूरा दृश्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि ये हमारा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताना।